आज अपन ना मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट को ही कंटिन्यू करते हुए, याद है आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने फ्लावर स्टार्ट कर दिया था आप लोगों का, जो मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो ये देखा था कि यार सबसे पहले फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, याद आ रहा है आपको? फ्लावर के शायद पार्ट्स मैंने लिख दिए थे, ये मैंने देखो फर्स्ट पार्ट लिख रखा है कैलेक्स कोरोला, तीसरा पार्ट एंड्रोशियम और चौथा पार्ट गाइनोशियम। याद आ रहा है किसी को कुछ ऐसा हमने किया था? यस मैम, ठीक है, तो इसमें आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने में हम ये देखेंगे कि यार देखो ये भी चीज मैं आपको बताई थी, ये जो पार्ट्स हैं सारे कहाँ से अराइज होते हैं? ओवरी के नीचे थैलेमस होता है। क्या होता है बेटा? थैलेमस। थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिक, रिसेप्टिसल भी बोलते हैं। तो यहीं से आपके चारों जो पार्ट्स हैं कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम या राइज होते हैं। उसके बेसिस मैंने आपको तीन तरह के है ना वो बता दिए थे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, तो आज मैं इन्हीं के थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक और देखते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या है क्या नहीं होते। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे फिर। देखो यस मैम, है ना मैम फ्लावर। हाँ बेटा, मुझे ना एनसीईआरटी में से एक टॉपिक पूछना था, ये ट्री मेरियस क्या है? हाँ वो अभी आएगा, वो अभी आएगा, वो सब आएगा। वो टेट्रामेरस होता है ना, ट्राइमेरस होता है, टेट्रामेरस होता है, वो सब अभी आएगा, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो देखो फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ट्राइमेरस वाला और टेट्रामेरस वाला? नाम बोलो बेटा, रिंकी, मतलब एटलीस्ट कोई तो है जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है। अच्छा है, चलो है ना। देखो फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, या तो उसके पास स्टेमेन होगा, ठीक है, या फिर पिस्टल होगा, ठीक है बच्चा। और बाइसेक्सुअल में स्टेमेन और पिस्टल दोनों ही होने वाले हैं, मेल होगा या तो या फिर फीमेल होगा, और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अगर हम बात करें, एक टर्म आता है ब्रैक। क्या आता है? ब्रैक। एनीवन हैव आइडिया व्हाट इज ब्रैक? किसी को आइडिया? देखो मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ, जब अपन ने लीफ पढ़ा था। देखो अब मैं भी आपको दिखाती हूँ लीफ वाला स्ट्रक्चर, काफी कुछ पढ़ चुके हैं अपन। देखो ये आपको एक ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, याद रखना स्टिप्यूल क्या होता है, ब्रैक्ट क्या होता है, पिटियोल क्या होता है, ये याद रखना। ये टर्म्स में ना बार बार यूज करूंगी, तो आप ध्यान से सबसे पहले तो देख लो कि पिटियोल जो है ना वो ये होता है, और स्टिप्यूल ऐसा करके जो स्ट्रक्चर निकल रहा है ना नीचे, इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ब्रैक्ट बताने जा रही हूं। देखो ब्रैक्ट का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, फ्लावर अराइज इन द एक्सिल ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट। किसी को समझ आया क्या हुआ? देखो जब हमारा कोई फूल है, अरे ये सॉरी ये तो पेड़ बन गया, फ्लावर अराइज। देखो देखो अब हमारा क्या है, फ्लावर अराइज इन द एक्सिल। एक्सिल अगर कोई भी चीज आ जाए ना, तो उसको ऐसा मानो जैसे अपने बॉडी में एक्सिला अगर एक पोर्शन होता है, तो ये अपने अंडर आर्म का जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिला बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे फ्लावर का कोई है, लेट से ये फ्लावर है, ठीक है, तो कभी कभी आपने फ्लावर जब है उसके साइड से ऐसे करते हुए एक स्ट्रक्चर निकलते हुए देखा है, छोटा सा ग्रीन कलर का? हाँ, साइड से ऐसे यस ऐसे कलर के, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? ब्रैक्ट। क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट। फ्लावर अराइज इन द एक्सिल ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है ना फ्लावर के नीचे से,
एक्सेल से इसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो जिनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं ब्रैक्टेट, और जिनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, माइक बंद करो सब, उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। इज दैट क्लियर मैम? ब्रैक्टेट किसे बोलते हैं? जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उनको ब्रैक्टेट बोलते हैं, और जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता उनको हम ई ब्रैक्टेट बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कि यार देखो, अब हम ना एक क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। मैंने आपको फ्लावरल अपेंडिजेस बताए थे, फ्लावर अपेंडिजेस चार मैंने बताए थे। देखो वापस से, कैलिक्स, कोरोला, सेपल, कैलिक्स जिसको हम सेपल बोलते हैं, कोरोला पेटल बोलते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इन चार चीजों से हमारा फ्लावर बनता है, और इसी को हम बोलते हैं फ्लावर अपेंडिजेस। क्या बोलते हैं? फ्लोरल अपेंडिजेस। तो अगर ये तीन के ग्रुप में प्रेजेंट है, तीन प्रेजेंट है, मतलब ऐसे टोटल क्या है, ये चार है। ठीक है, क्या है ये, रुको, अगर ये तीन के ग्रुप में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइमेरस। अभी मैं आपको पूरा करके समझाऊंगी। चार में अगर प्रेजेंट होंगे तो इसको बोलेंगे हम टेट्रामेरस, और अगर पांच के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो इसको हम बोलेंगे पेंटामेरस। देखो अब ये जो थैलेमस मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले देखो ऐसे करके थैलेमस होता है, थैलेमस पे ओवरी होती है, फिर यहाँ पे कैलिक्स आपका निकलता है, फिर कोरोला निकलता है, और ये आपकी एंड्रोशियम होता है, ये गाइनोशियम का कुछ पार्ट हो जाता है ना, यही करके अपना ऐसा कुछ फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया। तो जो कंडीशन आती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस वाली, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बस मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ अभी आपको। तो ये चार हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये है, सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है? जैसे हमने ना एनिमल किंगडम में भी सिमेट्री देखी थी, तो यहाँ पे दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक, और एक होती है जाइगोमॉर्फिक। तो देखो बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। कौन सी? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। तो जैसे हम एनिमल किंगडम के लिए बाइलेटरल और रेडियल टर्म यूज करते थे ना, यहाँ पे हम प्लांट्स के लिए डायरेक्टली रेडियल और बाइलेटरल यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे इंस्टेड रेडियल की जगह हम एक्टिनोमॉर्फिक यूज करेंगे, और बाइलेटरल की जगह हम जाइगोमॉर्फिक यूज करेंगे। साथ ही साथ हमें को इनके एग्जाम्पल भी याद करने होंगे। तो जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है कि एक्टिनोमॉर्फिक किस किस के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको लिखना, एक प्लांट होता है धतूरा, उसके अंदर हमारे एक्टिनोमॉर्फिक प्रेजेंट होती है। जाइगोमॉर्फिक एक प्लांट होता है केसिया, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, प्लेसेंटेशन। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में आपको पता है जब एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है मदर के अंदर, जब उसके अंदर फीटस प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, तो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच में एक वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सचेंज करवाता है न्यूट्रिएंट्स। वैसे ही हमारा ये, मैंने आपको स्ट्रक्चर जब मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जो कि ओव्यूल को अटैच करता है किससे? ओवरी से। याद आ रहा है अरेंजमेंट? yes, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट है, और ये ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी हमारा आगे जाके क्या बनाता है बेटा? फ्रूट बनाता है। ओव्यूल्स हमारे आगे जाके सीड बनाते हैं, और ये प्लेसेंटा पे अरेंजमेंट होता है, है ना? याद आया आपको? ये मैंने आपको बताया था एंजियोस्पर्म में भी। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। देखो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल किसके ऊपर अरेंजमेंट है?
सॉरी इन साइड दी ओवरी, ठीक है। प्लेसेंटा क्या कर रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट के लिए पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा है, और एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो बात ये है, ये ना बहुत ही तरह का होता है, आप ना सबके अंदर एक ही तरह के ना अरेंजमेंट नहीं देखते हो। आप देखते हो कि आपका जो लेमन है उसके अंदर बीज अलग तरीके से है, एप्पल में आपके बीज अलग तरीके से है, एक प्लांट हो गया चाइना रोज उसके अंदर बीज का अरेंजमेंट अलग अलग है, पी प्लांट वो जो आप देखते हो पी मटर उसके अंदर अलग अरेंजमेंट है। तो ये क्या क्या अरेंजमेंट है ये मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल, क्या बोलते हैं मार्जिनल, इनका मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। मार्जिनल, सेकंड होता है एक्साइल, तीसरा होता है पराइटल, फोर्थ होता है फ्री सेंट्रल, और लास्ट होता है एक बेसल। ये पांच तरह के ना हमारे प्लेसेंटा के अरेंजमेंट होते हैं जो आपको मार्जिनल, MARGINAL, इज दैट क्लियर। थर्ड वाला, थर्ड थर्ड एक्साइल, फिर है पेराइटल, ठीक है। मैम स्लाइड शो कर दीजिए अभी वाली, और को अभी रुको एक मिनट। मैम ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना? हाँ बेटा, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है। दिख रहा है आपको जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ? यस मैम। देखो सबसे पहला जो बेटा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ए वाला, ये आपको वैसा नहीं दिख रहा कि अपने वो जो पी होता है बी, अपन वो मटर का आता है, मटर का यही तो होता है। Yes, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
आपको दिख रहा है सबसे फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया है कौन सा मार्जिनल, कि यार देखो आपको जैसे वो पी प्लांट नहीं होता आपका पी मटर का जो होता है मटर जैसा आपको दिखता है उसकी तरह दिख रहा है, सिंगल एक मार्जिन पे ये आपके बीज लगे हुए हैं पी दिख रहा है, तो ये है हमारा मार्जिनल ठीक है। सेकेंड है हमारा एक्साइल, एक्साइल वाले के अंदर आप देख पा रहे हो ये उसकी बहुत सारे आपको चैम्बर दिख रहे हैं, एक चैम्बर दो चैम्बर तीन चैम्बर, तो हम इसको बोलते हैं मल्टी चैम्बर इसके अंदर क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ क्या आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर ना एक्साइल मतलब एक तो बीच में प्रेजेंट है सारे ओव्यूल्स, क्या बीच में प्रेजेंट है सारे, और साथ ही साथ क्या आपको ये नींबू जैसा नहीं दिख रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये टाइप का अरेंजमेंट हमारे लेमन में भी पाया जाता है बेटा, किसके अंदर पाया जाता है लेमन के अंदर। फिर आपको थर्ड देखो पेराइटल क्या है, और हाँ देखो ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम क्या बोलते हैं सेप्टा, क्या बोलते हैं सेप्टा, तो इसके अंदर क्या सेप्टा भी प्रेजेंट होता है जो इनको अलग अलग चैम्बर में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चा पार्टी ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड, ये है पेराइटल। अब आप पेराइटल पे देखो यहाँ पे ना ये जो इसका पेरिफ्री है वहां पे प्रेजेंट है, किस पे पेरिफ्री पे हमारे प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लोकस या फिर चैम्बर बेटा प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर, समझ पड़ी बात? और यहाँ पे बेटा आपको कोई क्लियर सेप्टा नजर आ रहा है? तो यहाँ पे ना क्लियर सेप्टा नहीं होता है, पहले होता है जो बाद में डिमिनिश हो जाता है, तो उसको सूडो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सूडो फॉल्स सेप्टा भी बोलते हैं ठीक है। फिर आता है हमारा डी फ्री सेंट्रल, फ्री मतलब किसी से जुड़ा नहीं है, बीच में बीच प्रेजेंट है बढ़िया खुशी से, देखो ये है सेंट्रल बीच में प्रेजेंट है, तो ये है फ्री सेंट्रल। और ये लास्ट वाला है बेसल, ये जो हमारा ओवरी का जो बेस होता है ना वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपके जो डायग्राम है वो देखने हैं, पर आपको जो मेन इसके अंदर याद रखना है वो ये याद रखना है इसके एग्जाम्पल जो कि आप लोगों से पूछे जाएंगे, कि भैया आपसे पूछा जाएगा मार्जिनल किस किस में प्रेजेंट होता है, एक्साइल किस किस में प्रेजेंट होता है, वो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना है ठीक है। जैसे मार्जिनल का हो गया हमारे पी, हाँ बेटा बोलो सॉरी ओके ठीक है। एक्साइल हमारे हो गया चाइना रोज में, पेराइटल हमारे हो गया कुकुरबीटा में, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल हमारे हो गया बेटा डायएंथस में, किसमें डायएंथस एक प्लांट है, और साथ में आपके अगर एनसीईआरटी में एक आध कोई अगर एड ऑन होते हैं एग्जांपल तो वो आपको याद रखना है। बेसल हमारे हो गया एस्टर में ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम लास्ट फिफ्थ वाला जो लिखा है बेसल में एस्टर लिखा है? हाँ एस्टर ए एस टी आर ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ बार बार बता चुकी हूँ। फ्री सेंट्रल वाला दिखा दो बेटा, साथ में आप नोट करते जा रहे हो क्या मैम? यस। नहीं बेटा मत किया करो, ये सबसे गलत तरीका होता है, सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है और आप साथ में लिखते हो ना तो माइंड में आपकी इतना नहीं जा पाता, और आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का रीजन आपका क्या है देखो, क्यों? क्योंकि ये स्लाइड एज इट इज आपको प्रोवाइड होगी, एज इट इज आपकी इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, साथ ही साथ सारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो क्या होता है ये सारे प्रोसेस के वक्त आपकी ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो स्किप हो जाती है, तो एटलीस्ट इस वक्त सुन लो आराम से बढ़िया राम कथा सुनो, पीछे बैठ के सत्यनारायण की कथा सुनो जो मैं सुना रही हूँ, और फिर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से बाद में लिख पाओगे। ये बच्चे ना गलती करते हैं तो ये आप मत करो, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बैठ के से उस वक्त समस्या है ना उनके अंदर थोड़ी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ जाती है, उस वक्त बैठ के सुनेंगे बाद में वो सोच के लिखेंगे यार ये चीज ऐसे थी, तो वो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होगा और प्रोडक्टिव होगा आप लोगों के लिए, बाकी तो फिर वो आपका चॉइस है कि आपको लिखना है नहीं लिखना है, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि है ना आप बाद में लिखो तो वो ज्यादा बेटर ठीक है, बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो
अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। मैंने जैसे आपको बता दिया यार, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे पार्ट्स हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैलेक्स की। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है। अब क्या होता है, हम कैलेक्स को सेपल भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है ना, कभी कभार ये जो सारे पोर्शन जो ऐसे है, कभी कभार जुड़े हुए भी तो हो सकते हैं आपस में एक दूसरे से, और कभी कभार एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं हो सकते। तो इफ इन केस कैलेक्स जो है, क्या है बेटा, जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ टर्म आ जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कितने नंबर में वो प्रेजेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? ओके मैम, ठीक है ना? तो एक टर्म आते हैं कैलेक्स में जिसको हम बोलते हैं गैमोसिफेलस। क्या बोलते हैं? गैमोसिफेलस। और एक को हम बोलते हैं पॉलीसिफेलस। कोई है जो मेरे को बता सकता है गैमोसिफेलस क्या होता है? हाँ बेटा बोलो। मैम गैमोसिफेलस में ना जो सेपल होते हैं हम जुड़े हुए होते हैं, और पॉलीसिफेलस में सेपल अलग अलग होते हैं। वेरी गुड। जुड़े हुए मतलब क्या बोलोगे आप उसको? यूनाइटेड। क्या बोलोगे? यूनाइटेड। और जुड़े हुए नहीं होते, फ्री होते हैं, उसको हम फ्री बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों हार्ड टर्म यूज करना? यूनाइटेड या फिर आप फ्यूज भी बोल दो, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ मैं अब लेती हूँ कैलेक्स के बाद क्या आता है? कोरोला। कोरोला को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेटल भी बोलते हैं, ठीक है? तो इफ इन केस ये जो कलर्ड पोर्शन है, जो सुंदर दिखने वाला है, अगर ये फ्यूज्ड है तो वापस से हम इनको क्या बोल देंगे? गैमोपिटेलस। क्या बोल देंगे? गैमोपिटेलस। इफ इन केस अगर ये फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे पॉलीपिटेलस, ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जिसको मैं बोलूंगी यार। हाँ, इससे पहले ना मैं आपको इसका एक अरेंजमेंट भी बताना चाहती हूँ कि ये जो कोरोला है ना, ये जो हमारा कलर्ड पोर्शन है, इसके ना कुछ अरेंजमेंट भी होते हैं, ठीक है? उसके अंदर टर्म आता है क्या? एस्टाइवेशन। क्या आता है? एस्टाइवेशन। मतलब एस्टाइवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल, या फिर पेटल बोल लो, कि जो पेटल है वो एक दूसरे से विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, उनका एक दूसरे के साथ कैसा अरेंजमेंट है, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रही हूं इनके अरेंजमेंट। पहला है वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड, वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, ठीक है, वैक्सिलरी, ठीक है? ये कुछ अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, ये आपको ना याद रखना है। और ये किस टाइप के होते हैं, इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मैं आपको अभी अरेंजमेंट दिखाने जा रही हूँ, ठीक है? मैं देखती हूँ फिन केस यहाँ पे लगा हुआ है तो। चलो गिव मी अ सेकंड। आपने कुछ कुछ फ्लावर देखे होंगे, एक सेकेंड, जिसके अंदर कुछ कुछ जो फ्लावर होते हैं वो अलग एकदम ऐसे जुड़े हुए होते हैं, किसी के अंदर बहुत घने होते हैं, याद आ रहा है? उस टाइप के अरेंजमेंट की ना मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, वो अभी हम पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक्चुअली मैम। यस, चलो दिख रहा है आपको ये?
फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट जो कि आपको ये दिख रहा है, ये फर्स्ट, ये है वेलवेट। क्या है बेटा? वेलवेट। इसके अंदर आप देखो, ये एक दूसरे को टच कर रहा है, एक का मार्जिन, फिर इसका मार्जिन इसको टच कर रहा है, फिर इसका मार्जिन इसको टच कर रहा है, और इसका मार्जिन इसको टच कर रहा है। एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंज है, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलवेट। जहां पे कोई भी ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ना। अब दूसरा आता है ट्विस्टेड। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा ऐसे जूम कर देती हूँ सो दैट आप देख पाओ। देखो सेकंड, देखो ये ऐसे करके चल रहा है, इसके इस मार्जिन को इसने ओवरलैप कर दिया ऐसे करके, फिर इसके इस वाले मार्जिन को इस वाले मार्जिन ने ओवरलैप कर दिया, फिर ये ऐसे चला, फिर इसने इसको ओवरलैप कर दिया। क्या यहाँ पे वेलवेट के बाद ट्विस्टेड, क्या ट्विस्टेड में कंटिन्यूसली ओवरलैपिंग हुई है? यस मैम। गुड, और इसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं थी, एक दूसरे के मार्जिन टच कर रहे थे, और यहाँ पे मार्जिन जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा? ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर देखो, ओवरलैप भी कर रहे हैं तो प्रॉपर एक तरीका है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे करके कुछ भी नहीं चल रहा है। अब थर्ड, ये जो है क्या है? इम्ब्रिकेट। इसके अंदर भी देखो ओवरलैपिंग तो हो रही है, पर क्या ओवरलैपिंग का कोई टाइप है? मतलब कुछ अरेंजमेंट है, कुछ भी हो रहा है, कोई किसी को भी ओवरलैप कर रहा है? हाँ के ना। तो जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई किसी को भी ओवरलैप कर रहा है, कोई से भी मार्जिन को आगे पीछे, तो वो हो जाएगा हमारा इम्ब्रिकेट। क्या हो जाएगा? इम्ब्रिकेट। फिर लास्ट जो है बेटा वो हमारा आता है कौन सा? वेक्सिलरी। क्या है? वेक्सिलरी। इसके अंदर आप देखो, एक सबसे छोटे वाले आपको नजर आ रहे हैं, फिर उससे बड़े वाले आ रहे हैं जो उसको ओवरलैप कर रहे हैं, और फिर एक उससे बड़े वाले आ रहे हैं जो उसको ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, ये सबसे बड़े वाले, फिर ये सबसे छोटे वाले, और फिर ये सबसे छोटे वाले, हाँ के ना। तो बेटा ये जो सबसे बड़ा वाला है, इस वाले पेटल को हमने नाम दिया है स्टैंडर्ड। क्या नाम दिया है? स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद दो लेटरली अंदर की तरफ जो पेटल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं विंग्स। क्या बोलते हैं? विंग्स। फिर ये वापस से दो छोटे छोटे से पेटल को ओवरलैप करता है, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? कील। क्या बोलते हैं? कील। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब ना आपसे ऐसा भी हो सकता है मे बी कि उनका पोजीशन पूछ लिया जाए, कि जो विंग्स है वो मतलब देखो दिख तो रहा है, पहले स्टैंडर्ड है, फिर उसके अंदर विंग्स है, फिर उसके अंदर कील है, पर अगर आपको एग्जाम में लिखना है, बताना है उनका पोजीशन, तो हम बोलते हैं जो पेटल है लेटरल, ये जो विंग्स है ये इसके कंपेरिजन में ये प्रेजेंट होते हैं लेटरल। क्या होते हैं? लेटरल। ये प्रेजेंट है तो मतलब साइड साइड में, ऐसे साइड साइड, और ये जो कील है ये एंटीरियर प्रेजेंट है। क्या है? एंटीरियर प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब ना आपको इसके अंदर क्या करना है, वापस से वही कहानी। इसके अंदर आपको अरेंजमेंट के साथ साथ मेनली जो याद रखना है वो याद रखना है इनके एग्जांपल। तो जैसे वेलवेट की अगर मैं बात करूं तो ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस, एक प्लांट होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है ट्विस्टेड, जो एक प्लांट होता है हिबिस्कस। क्या? हिबिस्कस उसके अंदर पाया जाता है। इम्ब्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो इम्ब्रिकेट हमारा एक प्लांट होता है केसिया। कौन सा? केसिया, ये उसके अंदर पाया जाता है। फिर मैं बात करूं वेक्सिलरी की, तो वेक्सिलरी पाया जाता है पाइसम के अंदर। किसके अंदर? पाइसम के। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। राइटिंग सुंदर आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, चलो फिर आता है, हमने देखो किस किस की बात कर ली, हमने कैलेक्स की बात कर ली, कोरोला की बात कर ली, कोरोला के अरेंजमेंट में हमने स्टाइवेशन देख लिया। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, तीसरा जो है वो है एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम, ठीक है। अब इसके अंदर एंड्रोशियम को हमने बोला है कि हम स्टेमिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमिन भी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
है ना, है कि नहीं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ऐसा ही है एकदम कुछ कुछ, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बता दिया था ये स्टैमेन किस किस से मिलके बना हुआ होता है, बताओ। एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट और एंथर, एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था एंथर के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं, अपन ने उस चैप्टर में मैंने आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। आप ना देखो मैं क्या बात कर रही हूँ, वही अगर आपस में ये जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इफ दे आर फिलामेंट्स, ये जो फिलामेंट है ना इसका, फिलामेंट यूनाइटेड टू फॉर्म वन बंडल, अगर ये सारे फिलामेंट जुड़ गए और एक बंडल बनाया तो उसको हम बोलेंगे मोनो अडेल्फस, क्या बोलेंगे, मोनो अडेल्फस, ठीक है। अगर, हाँ चलो अगर ये इसका एग्जाम्पल यही देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, क्या है, हिबिस्कस। अगर जो, अब मैं बात करूंगी किसकी, डायडल्फस की, अब जो फिलामेंट यूनाइट कर रहे हैं, फिलामेंट यूनाइटेड टू फॉर्म टू बंडल, कितने बंडल, टू बंडल, तो उसको मैं बोलूंगी डायडल्फस, क्या बोल दूंगी, डायडल्फस। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइसम, क्या हो जाएगा, पाइसम, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ फिलामेंट्स यूनाइटेड टू फॉर्म, अभी दो हो चुके हैं, अब मैं क्या करूंगी, मोर देन टू बंडल, मोर देन टू बंडल, तो अब मोर देन टू को, वेरी गुड, मोर देन टू को बोलेंगे पॉली अडल्फस, वेरी गुड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉली अडल्फस, ठीक है। इसकी अगर बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिट्रस, क्या हो जाएगा, सिट्रस। आपकी जो एनसीईआरटी में वो तो है ही है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले तो आप कर ही लोगे, उसके अलावा और जो अगर कुछ नहीं है वो मैं पॉसिबिलिटीज लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। समझ पड़ गया ये सबको बात, थैंक्स मैम। अब ना एक टर्म आता है, अभी मैंने किनको अरेंज, देखो दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, हमने अभी किसको यूनाइट किया था, फिलामेंट को। अब मैं एक टर्म है जो नाम देने वाली हूँ आपको, सिन, ध्यान से देखना, सिन जेनेसियस, क्या है, सिन जेनेसियस, एस वाई एन जी ई एन ई एस आई ओ यू एस, ओनली एंथर। अब इसके अंदर कौन यूनाइट होगा, ओनली एंथर आर यूनाइटेड, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या है, एंथर यूनाइटेड है और बंडल बना रहे हैं, ये आपके कहीं नहीं दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसका अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, हेलियंथस, क्या है, एच ई एल आई ए एन टी एच यू एस, ठीक है। फिर एक टर्म आता है सिन एंड्रस, क्या आता है, सिन एंड्रस, एस वाई एन ए एन डी आर ओ यू एस। इसके अंदर अब देखो बोथ फिलामेंट एंड एंथर आर यूनाइटेड, इसके अंदर फिलामेंट और एंथर दोनों यूनाइट करेंगे टू फॉर्म बंडल। सबसे पहले हमने फिलामेंट को यूनाइट किया था, फिर हमने एंथर को यूनाइट करवाया, और हमने अब इसके अंदर दोनों को करवा दिया, और इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा, क्या है, कुकुरबिटा, इज दैट क्लियर मैम, यस मैम, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने देखा था एक कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स को हम क्या बोलते थे, सेपल। कैलिक्स के बाद हमने देखा था कोरोला, कोरोला को हम पेटल बोलते थे, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम। अभी हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, विच इज स्टेमेन, है ना। तो अगर स्टेमेन, अभी हम सबको क्या कर रहे थे, कैलिक्स को हम आपस में जोड़ रहे थे या फ्यूज कर रहे थे,
अब कोरोला को हम आपस में जोड़ रहे थे या फ्यूज कर रहे थे, एंड्रोशियम को खुद के आपस में जोड़ रहे थे या फ्यूज कर रहे थे वो, है ना, या फिर फ्री रख रहे थे। अभी मैं आपको एक टर्म देने जा रही हूं जिसका नाम है टेपल। क्या नाम है बेटा? टेपल। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टेमन है विच इज एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम किससे जुड़ा होता है? पेटल से। किससे जुड़ा होता है? पेटल से, यानी कोरोला, ठीक है। अगर पेटल और स्टेमन जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? टेपल। इज दैट क्लियर? जैसे वो आजकल वो शादियां होती है तो शादियों में नहीं बोलते दो जनों के नाम को, एक इंसान के कुछ नाम मिलाया एक को फिर एक नया नाम दे देते हैं, है कि नहीं? वैसे ये चल रहा है यहाँ पे। क्या बेटा? नाम हैशटैग करके। हाँ, हैशटैग करके। अभी मेरी भी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है, तो वो मेरे से वही पूछ रही कि यार बता बता क्या नाम रखूं क्या नाम रखूं। मैंने बोला ऐसा है, नाम ही मत रखो, शादी भी मत करो, कुछ मत करो, जीवन में शांति से बैठो, नहीं तो सच में जिंदगी हैशटैग पे अटक के अटक जाएगी तुम्हारी। तो हाँ, तो ये टेपल वैसे कुछ करके नाम है, तो ध्यान रखना टेपल और पेटल में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? अब हमारा होता है यार, देखो इस कंडीशन को, अब ये ना, अब इसमें भी नंबर आएंगे। क्या आएंगे? नंबर आएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसके अंदर दो कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं, एक एपिफाइलस और एक बोलते हैं एपिपिटेलस। किसी को पता है क्या होता है ये? एनीवन? मैम, एपिपिटेलस में जो स्टैमन होता है वो पेटल से जुड़ा होता है। स्टैमन पेटल से जुड़ा होता है, वेरी गुड। कौन था ये? मैम, रिंकी। अभी आपने लास्ट वाला टेस्ट दिया था? यस मैम। कितने मार्क्स आए थे? 175। बाकी के मार्क्स कहाँ गए? अगली बार लेकर आना बाकी के मार्क्स, ठीक है? Yes, ma'am. देखो, अब दो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, एपिफाइलस और एक है एपिपेटेलस। तो इफ इन केस, स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है बेटा? स्टेमन किससे जुड़ा होगा? टेपल से। स्टेमन और टेपल जुड़ा होगा तो हम उसको बोल देंगे एपिफाइलस। और अगर स्टेमन किससे जुड़ा होगा? पेटल से। ये एपिपिटेलस कैसे हो रहा है? एक सेकेंड, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसको हटाओ, एक सेकेंड, ये हटाओ। शायद टेपल इन दोनों में से कोई नहीं है। ये अभी सुनो, ये टेपल वाला हटाओ, पहले ये देखो, अगर स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है? स्टेमन अगर टेपल से जुड़ा हुआ है, स्टेमन प्लस टेपल, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एपिफाइलस। अगर स्टेमन हमारे किससे जुड़ा हुआ है? प्लस पेटल, तो उसको हम बोलेंगे क्या बेटा? एपिपिटेलस। अभी ये दो याद रखो, ठीक है, अभी के लिए ये दो याद रखो। यस मैम। मैम टेपल नहीं होगा? नहीं, अभी रुक जाओ रुक जाओ, मैं टेपल अभी बता रही हूँ। पहले अभी ये याद रखो, एपिफाइलस और एपिपिटेलस, ये दोनों आपको समझ आए पहले ये बताओ मेरे को, क्योंकि ऐसे करके ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने अभी सिर्फ ये दो रखे हैं कि एक जगह टेपल रख दिया और एक जगह पेटल रख दिया। ये समझ आया ना? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नो मैम। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ अगर टेपल की ना, तो हम टेपल को क्या बोलते हैं? पेटल प्लस सेपल। वो मैंने गलती से वहां पे लिख दिया था स्टेमन। यहाँ पे अगर हमारा जो टेपल है, जो हमारा बाहर का फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, और सेकंड वाला जो पार्ट है, उन दोनों, वो अगर दोनों अगर आपस में जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे टेपल, ठीक है। और अगर टेपल और स्टेमन जुड़े हुए हैं तो एपिफाइलस, और पेटल और स्टेमन पेटल और स्टेमन जुड़े हैं तो एपिपिटेलस। कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला। पेटल और सेपल होंगे तो पेटल और
सेपल जुड़े होंगे तो टेपल 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 पेटल और सेपल इज टेपल टेपल स्टेमन इज एपिफाइलस स्टेपल प्लस पेटल इज एपिपेटलस ठीक है यस मैम ठीक है समझ पड़ गई बात यस मैम ये थोड़ा सा हार्ड है इसको बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा तो याद करना आप इसको ठीक है चलो आगे बढ़े यस मैम यस मैम ये सबको क्लियर है ना अब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं जिन एंड्रस क्या बोलते हैं जिन एंड्रस यार इसमें क्या होगा जिन कोई गाइनोशियम टर्म आ रहा है यस मैम देखो अगर ये जो स्टेमन है वो किससे जुड़ा हुआ होगा गाइनोशियम से तो उसको हम बोलते हैं बेटा गिनेंड्रस एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपस क्या है एग्जाम्पल कैलोट्रोपस इज दैट क्लियर मैम अब हमारा आता है चौथा जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम क्या बोलते हैं गाइनोशियम गाइनोशियम को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल भी बोलते हैं ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का ये तो हमें पता ही है अब इसके अंदर वही हमारे देखो तीन चीजें होती है स्टिग्मा स्टाइल और एक होती है ओवरी जो तीन होती है ओवरी के अंदर ही हमारा वो प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स उसी के अंदर प्लेसेंटेशन होता है जिसको हम एस्टाइवेशन होता है ये मैंने आपको बता दिया ठीक है अब अगर यहाँ पे एक टर्म आता है एपोकार्पस क्या आता है एपोकार्पस और एक आता है सिनकार्पस एपोकार्पस क्या होता है देखो अगर एक से ज्यादा मोर देन वन कार्पल एक से ज्यादा गाइनोशियम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे क्या एपोकार्पस और वो क्या है बेटा फ्री है एपो मतलब क्या है फ्री एक से ज्यादा तो प्रेजेंट है पर वो क्या है फ्री वही सिन मतलब क्या होता है इसका प्लांट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एक प्लांट का नाम होता है विस्कम क्या होता है विस्कम उसमें ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि जो कार्पल बहुत सारे जो प्रेजेंट है अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सिनकार्पस क्या बोलते हैं सिनकार्पस ये समझ आया सबको मैम फ्यूज्ड मतलब कैसे फ्यूज्ड मतलब जुड़े हुए आपस में जैसे अगर मैंने बात कर दिया जैसे मैं आपको एक बता के बना के दिखाती हूँ रुको देखो ये आपको जैसे सबसे पहले ये दिख रहा है एक सेकंड ये हम किसकी बात कर रहे हैं कैलिक्स कोरोला कोरोला की बात कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके अब मुझे ये बताओ ये फ्री है या फ्यूज्ड है अगर कोई भी जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा नहीं है ना उसको हम बोल देते हैं क्या फ्री और अगर ये देखो ऐसे हो जाते हैं मैं आपको दिखाने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ये अगर ऐसे हो जाते तो ये फ्यूज्ड हो जाते तो जैसे ये क्लियरली आप देख पाते हो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल बता दिया तो फ्री और फ्यूज्ड ये वाली चीजें होती है ठीक है और सारी जो चीजें बताई जैसे ये आपस में है ये कैलिक्स कोरोला कोरोला ये है कि यार कोरोला ये आपस में फ्री है या फ्यूज्ड है तो अभी आपके जो इतने सारे डिफिकल्ट टर्म आए ना देखो अभी क्या था ये सिर्फ आपस में बात करते हुए ना करते हुए हमने फिर कैलिक्स कोरोला को फ्यूज करवा दिया फिर हमने कैलिक्स कोरोला के बाद कभी एंड्रोशियम से फ्यूज करवा दिया फिर हमने गाइनोशियम से भी फ्यूज करवा दिया तो खुद के आपस आपस में तो बात करेंगे ही करेंगे फिर आपस के बाद हम वो चारों की भी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे जो आपको याद रखने हैं बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारा डिफिकल्ट है तो ये आपको सब याद करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट इज दैट क्लियर किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर
नो मैम. मैम चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये हो गया था ना लास्ट क्लास में अपना क्या लग सकता. ठीक है. हाँ इसके अंदर ना मैंने आपको एक सेकंड वही मैंने एक और जो मैंने आपको चीज बताई थी हाइपोगाइनस पेरिगाइनस और एपिगाइनस ये अपना लास्ट क्लास में हो गया था तो इसको अब करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. हाँ बोलो. Okay. आपने जो लीफ के शेप दिखाए थे वो वाला दिखा दो जो पिछली क्लास में. लीफ के शेप वो स्पाइन स्पाइनलेट्स वाले. ये नो मैम. ये यस मैम. मैम हो गया. ये ना आई थिंक अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर आई ट्राई कि आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए. मतलब दैट ये वाला पूरा चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाए. चलो फर्स्ट स्लाइड. सेकंड. थर्ड. फोर्थ. फिफ्थ. सिक्स्थ. सेवेंथ. मैम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आर्थ्रोपोडा भी पढ़ाना. आर्थ्रोपोडा देखते हैं बेटा उसको फटाफट किसी उसके एंड में कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी हम ना बहुत ज्यादा ऐसा है कि एनिमल किंगडम अपन ना एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबा लिया है ना. बाकी टीचर्स ने क्या किया उसको चार चार लेक्चर में. मैम तब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर तब समझा देना.